दोस्तों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक महिला के घर के बाहर तीन बुजुर्ग बैठे थे। वे तीनों वहां बहुत देर से बैठे थे। वो महिला बाहर जाती है और तीनों बुजुर्ग से कहती है, मैंने देखा आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं, आप लोग भूखे होंगे, कृपया अंदर आइए और कुछ खा लीजिए। उनमें से एक बुजुर्ग ने उस महिला से पूछा, क्या इस घर का आदमी घर के अंदर है? महिला ने उत्तर दिया, नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा, फिर अभी हम अंदर नहीं आ सकते। महिला दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। शाम को उसका पति अपना काम करके घर वापस आया, तब महिला ने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पति ने कहा, जाओ उन्हें कुछ खाने के लिए अंदर बुला लाओ। महिला बाहर गई और उन तीनों बुजुर्ग से कहा, मेरे पति घर आ गए हैं, उन्होंने आप लोगों को अंदर बुलाया है, कृपया अंदर आइए और कुछ खा लीजिए। बुजुर्गों ने उत्तर दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं आ सकते। महिला ने पूछा, क्यों? उनमें से एक ने कहा, वो जो नीली शर्ट पहना है उसका नाम धन कुमार है, अगर वो अंदर जाएगा तो हम दोनों अंदर नहीं जाएंगे, पर तुम्हारा घर धन संपत्ति से भर जाएगा। फिर उसने दूसरे की ओर इशारा कर कहा, वो जो हरी शर्ट पहना है वो सफल कुमार है, उसके अंदर जाने से बाकी दोनों अंदर नहीं जाएंगे, पर तुम कोई भी काम करोगी तो उसमें हमेशा सफलता मिलेगी। अंत में उसने स्वयं का परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम प्रेम कुमार है, मेरे अंदर जाने से तुम्हारा घर प्रेम और खुशियों से भर जाएगा। अब तुम अंदर जाओ और अपने पति से सलाह कर लो कि किसे अंदर बुलाना है। वो महिला अंदर जाकर अपने पति को ये बातें बताई। उसका पति ये सुन बड़ा ही खुश हुआ। उसने बड़े उत्साह के साथ बोला, हम लोग धन कुमार को अंदर बुलाते हैं, इससे हमारा घर धन संपत्ति से भर जाएगा, बिना काम किए ही हम लोग धनवान हो जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, क्यों ना हम सफल कुमार को अंदर बुलाएं, उससे हमें किसी भी काम में सफलता मिलेगी और फिर हम लोग धनवान हो जाएंगे। उस घर की बहू ये सब सुन रही थी। वो आगे आई और सुझाव दिया, अच्छा होगा अगर हम प्रेम कुमार को अपने घर में प्रवेश कराएं, हमारा घर प्रेम और खुशियों से हमेशा के लिए भर जाएगा। इस बात पर दोनों पति पत्नी एकमत हो गए। उस घर की बहू बाहर गई और बोली, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रेम कुमार को अंदर प्रवेश कराएं, आप में से प्रेम कुमार कौन है, कृपया अंदर आए और हमारे घर के मेहमान बने। प्रेम कुमार खड़े हुए और घर के अंदर प्रवेश किया। प्रेम कुमार के अंदर प्रवेश करते ही दोनों सफल कुमार और धन कुमार भी उठकर अंदर आ गए। महिला ने कहा, आप लोग तो एक साथ अंदर नहीं आएंगे कह रहे थे, फिर कैसे सब आ गए? प्रेम कुमार ने कहा, अगर आप धन कुमार या सफल कुमार को बुलाती तो बाकी दोनों बाहर ही रहते, परंतु जब आपने प्रेम कुमार को अंदर बुलाया तो वो जहाँ भी जाएंगे बाकी दोनों भी साथ आएंगे। इसलिए कहा जाता है, जहाँ प्रेम है वहाँ सफलता और संपत्ति उसके पीछे आ ही जाते हैं।